और हमने ये भी बोला था वीडियो में, आपको अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि कोई भी भक्त किसी भी रूप में सेवा दे सकता है, चाहे वो फिजिकली आए, चाहे वो, और जो अभी तक आपका वीडियो में हम सब देखे हैं उसे इतना ही मन में सोच रहे थे कि कितना जल्दी आके यहाँ अपना कुछ टाइम दें और जितना प्रभु जी ऑर्डर करें और जितना आदेश करें उतना कुछ कर सकें, थोड़ा समय भी दे सकेंगे। ब्रज में ये सबसे महान है, मोती कुंड है और कुंड में व्यवस्था नहीं है तो बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, हिंदू धर्म में मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुझे बिहारी जी हिंदू तत्व दिए हैं, हिंदू में जन्म दिए हैं, तो हम मंदिर का निर्माण करें, कुंड का निर्माण करें। जब बनने के बाद में जब यहाँ पे लाइटें वगैरह लगेगी तो बहुत सुंदर, अच्छा लगेगा, अच्छा दूर से ही चमकेगा, पूरा मोती की तरह बिल्कुल, जैसे मोती चमकता है। बिल्कुल, मोती कुंड है, मोती कुंड के नाम से लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं मोती बिहारी जी को, और कुंड का ही व्यवस्था नहीं तो बहुत खराब लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी के लिए मैं आज पुनः आया हूँ मोती कुंड में, आप सभी को अपडेट देने के लिए और आप सभी को बताने के लिए कि कितना काम हो चुका है। आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था, हमें कुछ मटेरियल मंगवाना था जो कि अब आ चुका था मोती कुंड में। लास्ट वीडियो जो आपने देखा था मोती कुंड का, उस वीडियो को नेक्स्ट डे में ही यहाँ पर मटेरियल आ गया था। अब यहाँ पर मैं 2-3 दिन के बाद दोबारा आया हूँ, आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में ये सब मटेरियल है। अभी आपको एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमने मंगवाया है, और आज काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, आप वीडियो में आगे देखेंगे और आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या कवर हो चुका है। अभी आपको मैं बताऊंगा, आज हम पुनः मोतीगुंड में, यहाँ पे बैग की रिक्वायरमेंट थी, इनको सीमेंट्स के एम्प्टी बैग चाहिए थे, फिलिंग के लिए हमको चाहिए बैग्स, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं आज दोबारा से लेके आया हूँ एम्प्टी बैग, दिल्ली से 500 बैग्स लेके आया हूँ, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कुंड की तरफ लेके चलूंगा और कुंड पे भी दिखाऊंगा कि कितना काम हो चुका है, और आगे के सारे आज अपडेट दूंगा। और वैसे आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज है एकादशी और काफ़ी भक्तजन यहाँ पे दर्शन के लिए भी आए आज सुबह से, क्योंकि मैं आज सुबह ही यहाँ पे आ गया था जल्दी। पहले आपको बैग्स निकालते हैं, गाड़ी से दिखाता हूँ, देन फिर मैं आपको कुंड की तरफ लेके चलूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे 500 बैग्स हैं इसमें, और सेम लास्ट टाइम जैसे हम लेके आए थे उसी तरीके से लाना पड़ा है, रेड सीट फोल्ड करके। ये निकाल लो, ये है रवि, 500 बैग हैं ये। हाँ जी, 500। हाँ, इनको निकाल लो और अपने इस्तेमाल में आगे ले लेना। आप जो यहाँ पे बैग्स रखे हुए थे जो आपने देखा था लास्ट वीडियो में, वो अब सारे यूज़ में आ गए हैं, उनको लगा दिया गया है, और अभी कुछ बैग्स यहाँ पे ये भर के रखे हुए हैं, इनमें ये रेता फिल किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये रोड़ी मंगवाई है, यानी कि इसको कहते हैं 65 mm पत्थर। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये देखो इसका साइज़ इतना होता है। इसको नॉर्मली कई लैंग्वेज में बोला जाता है, इसको 3 इंची भी बोला जाता है, और इसको 65 mm बोला जाता है नॉर्मल। इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है इसको रिटर्न, यानी कि वापसी। और रोड़ी आज हमें और रिक्वायरमेंट है, हमारा उधर है बदरपुर की भी क्वांटिटी आप देखेंगे काफ़ी यूज़ हो चुका है, उसके बावजूद अभी काफ़ी बदरपुर है, बल्कि अभी हमें और मंगाना है बदरपुर। आप देखेंगे काफ़ी बदरपुर है, लेकिन अभी एक एक गाड़ी हमें और मंगानी है बदरपुर की और रोड़ी की। हमें कुछ परेशानी फेस करनी पड़ रही है मटेरियल को लेकर। जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये सभी कामा से आता है। अब कामा में जो सप्लायर हैं वो अब अपनी तरफ से मना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीज़न है, और अभी हमें जो मटेरियल की ना काफ़ी जैसे कहते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमको आगे। अभी तो हमारे पास मटेरियल है, लेकिन अगर मुझे आज दोबारा मंगवाना पड़ेगा तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा। और आई होप कि आप सभी को पता भी होगा कि कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है कामवन में, कि वहाँ से मटेरियल नहीं हो पा रहा है, नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। जो उनका पुराना स्टॉक है वही स्टॉक से वो दे रहे हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव करके दे रहे हैं। थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे हमारा रेता है, रेते की रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी, अभी नहीं, जब हमें बैग्स फिलिंग करने होंगे। और ये जो रोड़ी आपने देखी थी काफ़ी क्वांटिटी में थी रोड़ी, अब ये भी जैसे कहते थोड़ी है हमारे पास में, और हमें रोड़ी भी मंगवानी पड़ेगी। और आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रैंप, जो यहाँ पर घाट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, उस पर अब कॉन्क्रीटिंग की जा रही है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ये जो हमने आपको दिखाया है 65 mm जो मोटा वाला पत्थर है, पहाड़ी पत्थर, उसकी यहाँ पे फिलिंग की गई है, देन उसको अच्छे से दबाया गया है। और अभी आपको मैं आगे जाके और पास से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था ये 8 फुट ऐसे हैं और ये 70 फुट ऐसे हैं। 8x70 का ये घाट है, जो कि
यहाँ पे लेवलिंग करके इसको पूरा कंक्रीट से भरा जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे हम पहले ईंट वगैरह जो होती है उसको तोड़कर इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक नहीं था, कहीं ना कहीं वो अपनी यू नो पकड़ वो छोड़ देता। तो हमें काफ़ी सजेशन आए थे कि आप यहाँ पे इसी का यूज़ करें, तो ये यूज़ कर रहे हैं। देन ये कॉन्सेप्ट आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये घाट इसमें कंक्रीटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। और साथ के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी दो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। कुंड में अंदर उतरने के लिए आपके पास में स्टेप्स आगे बहुत जल्दी से कहते हैं बनते जाएंगे। ये आपको सारी चीज़ें अभी मैं क्लियर करूंगा, जो हमारे मिस्त्री हैं उनसे अभी मैं क्लियर करवाऊंगा कि किस तरीके से वो आगे काम कर रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी कंक्रीटिंग हो रही है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुंड में पहले के अकॉर्डिंग अब काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। आप देखेंगे जो कुंडी है वो बिल्कुल डूबने वाली है, यानी कि पानी उसके ऊपर बिल्कुल आने वाला है। और इसको अभी हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं समरसिबल, ये समरसिबल हो चुका है अब ख़राब, इसको रिपेयर कराना होगा, देन फिर हम इसको खाली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ जब हम समर चला रहे हैं तो इसमें मिट्टी वगैरह मिक्सिंग आ रही है, आप देख सकते हैं दलदल की जो ये मिट्टी होती है, ये चीज़ें आ रही है, तो उसने समर को ख़राब कर दिया है, जिसके कारण अब समर नहीं चल पा रहा है। तो पहले उसको रिपेयर कराना होगा, देन फिर हम इसको खाली कर सकते हैं कुंड को। कुंड अगर खाली नहीं होगा तो आपको बताना चाहूँगा पानी और बढ़ेगा इसके अंदर और ऊपर तक आ जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक आएगा तो ये सूख चुका होगा, एक भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे आज फिलिंग कर रहे हैं, ये नेक्स्ट डे यानी कि कल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सूख जाएगा। और कंक्रीटिंग पूरी कोशिश है आज हमारी कि इसको कंप्लीट मैं कराऊं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं हुई और बारिश आ जाती है, क्योंकि बारिश का ना थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और अगर बारिश आ जाती है तो ऊपर की जितनी मिट्टी है ना सारी इसके ऊपर बह के आ जाएगी, और जितनी भी हमारी ये रूढ़ी है यहाँ पे ये सब ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत हमारी पानी में हो जाएगी। और एक चीज़ आपको साथ के साथ और बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे हमारे जो मिस्त्री हैं उन्होंने बताया, जगह जगह पे ना पानी का रसाव हो रहा है अंदर की तरफ से, आप देखेंगे उस तरफ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने मिट्टी को यहाँ पे दबाया गया है, क्योंकि वहाँ से पानी लीकेज कर रहा है अंदर। अब ये नहीं पता इस वॉल में लीकेज है कैसे, कि जिसके कारण ना पानी इसमें काफ़ी अंदर तक आ गया था, हमारे जो मिस्त्री है उन्होंने बताया था। लास्ट अभी एक दो दिन पहले बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये गीला पानी यहाँ पे, मतलब गीली मिट्टी हो रही है, पानी यहाँ पे जमा हो जाता है बारिश का, और होने के बाद में यहाँ से लीकेज होती है, अंदर पानी आता है। और आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ है ये वाली वॉल, और यहाँ से जो लीकेज हो रही है वो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, और साथ में यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे पानी आता है, और जब बारिश आती है ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा होता है, जमा होने के बाद यहाँ से अंदर आता है। और आप ये देखो यहाँ पे आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, ये मिट्टी यहाँ पे ना डाली गई है ना यहाँ पे किसी ने यहाँ पे लगाई गई है, ये इसी वॉल के अंदर से ना लीकेज आ रही है, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये वॉल भी ब्रेक हो सकती है हमारी। ये आप देख रहे जितनी मिट्टी है ये लीकेज की, पानी के लीकेज की वजह से आई है। तो अगर हमारा जब कुंड का काम कंप्लीट होगा, स्टेप्स का, दोनों स्टेप्स का, फिर एंड में हमारा ये काम होगा, और बल्कि हो सकता है हम ये काम हमें जल्द ही करना पड़े, यहाँ पे हमें एक RCC की वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी बाहर की साइड में, ताकि ये वॉल हमारी सेफ रह सके, और इनफैक्ट यहाँ पे हमारा ये जो है यहाँ पे पानी की लीकेज ना हो, ये बहुत रिस्की पॉइंट है हमारे सबके लिए। पर एक चीज़ है, आप देखेंगे पानी कुंड में, आपको मैं बताना चाहूँगा कम से कम 1-1 फीट पानी भर चुका है इसमें, अगर आप नोटिस करेंगे तो, बल्कि सेंटर में तो ज़्यादा है, 1 फीट से भी ज़्यादा है सेंटर में। बोली एक बार ऊपर आओ, राधे राधे, राधे राधे जी। बोली जो आप ये बना रहे हो घाट, ये किस तरीके से बना रहे हो? पहले तो देखो मिट्टी की इसकी दवाई कर दी है बढ़िया ढंग से। अच्छा, फिर उसके बाद में ये है ना 65 वाला ये रोड़ा है जो, हाँ। ये कूटा है खूब अच्छी तरह से इसमें। अच्छा, अब इसके ऊपर पक्की रोड़ी डाल रहे हैं हम, कंक्रीट डाल रहे हैं। हाँ जी, PCC कर रहे हैं इसकी। अच्छा, और ये जो हमारी सीढ़ियाँ बनी है, अभी 2 सीढ़ियाँ बनी है। हाँ जी, तो मजबूत हो गया पूरा? हाँ मजबूत है ये, पूरा मजबूत हो गया, पक्का हो गया। और ऊपर की जो ऊपर वाला घाट है वो कहाँ से शुरू है, एक बार वो भी हमें बताना। ऊपर वाला जी देखो ये कट्टे लग रहे हैं ना, ये वाले जो ऊपर लगे हुए बैग। हाँ जी, यहाँ से वाला घाट, यहाँ से चालू हो जाएगा यहाँ तक।
यहाँ से यहाँ तक घाट है, दोनों बराबर के रहेंगे। 8 फुट का ही वो रखा है, या ये भी 8 फुट, यानी कि 8 फुट का ये है चौड़ा और 8 फुट का ही वो चौड़ा है वो वाला। 8x70 की लाइन ये जाएगी और यहाँ से बीच से यहाँ तक के सीढ़ियाँ बनेंगी, सीढ़ी आएगी और फिर इसके बाद में फिर यहाँ से लेके ऊपर तक सीढ़ी है, यहाँ से लेके फिर ऊपर तक सीढ़ी है। हाँ जी, और ऐसा ही सेम हम वहाँ पे करेंगे, ऐसा ही सेम वहाँ पे करेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जी, आज कैसे भी करके ये घाट को आज कम्प्लीट करना है, कॉन्क्रीट यहाँ पर डालनी है, ठीक है, आज कैसे भी करके इसको पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि हमें बारिश का टाइम चल रहा है, अगर बारिश आती है तो पानी भी नीचे बहेगा और हमारा सारी जो है मेहनत वो बेकार हो जाएगी। और एक दो जगह तुम लीकेज बता रहे हो, उसके बारे में बताओ हमें। देखो साहब, ये थी यहाँ पे लीकेज थी, तो यहाँ पे हम मिट्टी धांसनी पड़ेगी और किस तरफ है, किस तरफ थे लीकेज? ये यहाँ से क्या है, नीचे से मिट्टी से नीचे होकर स्रोत बना हुआ था, तो बरसात का पानी, हाँ जी जो बरसात का पानी आता है ना वो नीचे होकर उधर चढ़ता है कुंड में, अब उससे मिट्टी भी जाती है फिर, तो इसलिए उसको धांसना पड़ेगा सही ढंग से, दबाना पड़ेगा। तो उसका कोई दूसरा इलाज कुछ? उसका इलाज ये साहब, पहले तो ये मिट्टी धंसेगी इसमें, उसके बाद फिर इसका फर्श बनाना पड़ेगा बाद में। हाँ जी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम यहीं हैं, बरसात जैसे पड़ेगी हमें पता भी चल जाएगा कहाँ हो के इसका स्रोत है कहाँ हो के नहीं है, तो हम देखते रहेंगे इस चीज़ को कि कहाँ हो के पानी जाता है कहाँ हो के नहीं जाता है, तो उसको हम जैसे ही हमें पता चलेगा वैसे ही हम इसको दबा देंगे, दबा देंगे वहाँ पे, बिल्कुल, तो बंद हो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूँ, उनका लंच टाइम हो गया है, आप लोग अपना लंच करो, ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा भी मिलूँगा। आज ना ये कंप्लीट कराना ज़रूरी है, ये स्पेशली ना मुझे बोला गया है जो हमारे शेखर सर हैं, उन्होंने कहा था कि मोहित आप ये कंप्लीट आज करा के आना, क्योंकि वो अभी नहीं है कुछ टाइम से, वो बिज़ी हैं अपने साइड पे। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि कंक्रीटिंग यहाँ पे हो रही है और वो अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है कंक्रीटिंग, थोड़ा सा पार्ट अप रह रहा है वो भी अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। एक चीज़ आपको मैंने जैसे कि बताया था, आज है यहाँ पे एकादशी और आज काफ़ी भक्तजन यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो आप सभी यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए भी, और एक भक्त थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था कि वो यहाँ पे जल्द आएंगे दर्शन के लिए और वो अपनी फिजिकली भी यहाँ पे अपनी सेवा देंगे, आज उनसे मेरी मुलाकात हुई, आज मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप कहाँ से आए हैं, सभी को बताइएगा। मैं राउरकेला उड़ीसा से आया हूँ, नेटिव प्लेस मेरा बनारस है। अच्छा, कैसा लगा सर यहाँ पे आके आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगा, और जो अभी तक आपका वीडियो में हम सब देखे हैं उसे इतना ही मन में सोच रहे थे कि कितना जल्दी आके यहाँ अपना कुछ टाइम दें और जितना प्रभु जी ऑर्डर करें और जितना आदेश करें उतना कुछ कर सकें, थोड़ा समय भी दे सकेंगे, बिल्कुल, और उनका आदेश का जैसा भी होगा वैसा पालन करने सोचते हैं, बिल्कुल। और आपको कैसा लगा कर रहे सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा है, काम अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ, और बहुत ही अच्छा लगा है, जितना आप कम कर रहे हैं सब बहुत ठीक ठाक लगा, बिल्कुल। जो भक्तजन जैसे ही हमें सेवा देने हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं काम के लिए, और हमने ये भी बोला था वीडियो में, आपको अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि कोई भी भक्त किसी भी रूप में सेवा दे सकता है, चाहे वो फिजिकली आए चाहे वो अपना धन के रूप में सेवा देना चाहे या कैसे भी मटेरियल के रूप में सेवा देना चाहे। आप यहाँ पे आए, आपने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा आपसे भी भेंट करके, और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो भी यहाँ पे शीघ्र आए दर्शन के लिए, और आप भी यहाँ का जैसे कहते हैं हम जितने जैसे कहते हैं ना लगन से यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी भक्तजन यहाँ पे मिलके, एक एक व्यक्ति जो भी यहाँ पे हमारे जो टेक्निकल टीम है हम सब लोग हम जुड़े हुए हैं, सभी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, आपकी सेवा भी ज़रूर हम यहाँ पे जो भी आप सेवा देंगे चाहे फिजिकली रूप में हो चाहे कैसे भी हम आपके यहाँ पे सेवा लगाएंगे, फिजिकली हो जाएगा जो भी होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और जब से आपका फाउंडेशन जब से यहाँ अर्थवर्क शुरू हुआ है मशीन से हम तब से वीडियो देख रहे थे, बस मेरे को वहाँ समय नहीं लगा यहाँ आने के लिए, और अभी आए हैं कुछ लोग अपना हमारे संबंधी मिल जाएंगे, बिल्कुल। हाँ सर, ये तो सब हरी इच्छा है कि जब वही रास्ते बनाते हैं भक्तों के, बिल्कुल, जब वो बिल्कुल जब वो बुलाते हैं तभी भक्तों के यहाँ पे आने का सौभाग्य मिलता है, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, राधे राधे सर। काम करते बढ़ते जाएंगे पानी बढ़ते जाएगा ना, तो हमको वो जो बना रहेगा ना एक स्टोन बना, एक हम लोग ब्रिक का बना के उसके ऊपर मैं प्लस्टर कर देंगे और उसके ऊपर मैं लेबर लिख देंगे 00 00, उससे कितना मीटर ये डाउन है, कितना मीटर वो डाउन है, कितना मीटर आपका कुंडी डाउन होगा, कितना लेवल पानी का लेवल जाएगा, एकदम उसी में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बार 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 लेवल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बार पक्का निशान लगा लूँगा, 60 जगह से 8 बोल रहा ना, आप इधर आ रही इधर आई, यहाँ सब पाँच होगा जितना काम आप सही कर चुके रहेंगे आगे उतनी गलती कम निकलेगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे जो सब्सक्राइबर थे जो मिस्त्री थे उनको गाइड किया, उनको पॉइंट टू पॉइंट बताया और मेजरमेंट करके उनको सारी चीज क्लियर करी, और यहाँ पे भी नीचे आके उन्होंने कुंड पे
काफ़ी चीज़ क्लियर करी इनको बताया, और वो अपनी फिजिकली यहाँ पे सेवा देना चाहते हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, आज है यहाँ पे एकादशी और अभी दो दिन बाद वो फिर यहाँ पे आएंगे और अपनी फिजिकली यहाँ पे अपनी सेवा देंगे। तो जैसे अगर वो आते हैं और मैं उस टाइम पर यहाँ पे अगर रहूँगा तो मैं ज़रूर उनके साथ वीडियो शूट करूँगा और आप सभी के साथ में एक एक अपडेट दूँगा। और अभी जो करंट सिचुएशन है मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जैसे कि मैंने आप सभी को ऊपर से दिखाया था यहाँ पे वॉल पे खड़े होके कि इसको आज कैसे भी करके हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये कवर अप हो चुका है, आधा पार्ट हो चुका है और आधा अभी और रह रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुंड के अंदर पानी देखो आप कितना ज़्यादा भर गया है, ये आप देख रहे हो। ये पत्थर 3 फीट के पत्थर हैं, जो कम से कम अब ये इसमें 18 इंच का स्पेस होगा, यानी कि 1.5 फीट बचा है और 1.5 फीट ये तकरीबन पानी इसके अंदर आ गया है। पूरी कुंडी ऊपर डूब चुकी है, बारिश चालू हो गई है, आप देख सकते हो पानी की बूंदें आपको दिखेगी। और मौसम बहुत अच्छा हुआ है इस टाइम पर, पानी देखो आप, बारिश चालू हो गई है यहाँ पे। अब ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अभी मैं गया था कामा मटेरियल के लिए, मटेरियल मंगवाने के लिए, लेकिन हमारे साथ में एक ये प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि कामा में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जहाँ से मटेरियल हमारा आता है वहाँ पे किसी कारणवश सारी खदानों को बंद कर दिया गया है, जहाँ से बदरपुर आता है, जहाँ से रोड़ी आती है। और हमें रिक्वायरमेंट अभी बहुत है, अभी ये जो घाट है, ये वाला घाट तैयार हो रहा है, इसके बाद ये वाला घाट है, ये वाला घाट पूरा तैयार होगा इसी तरह से जिस तरह ये तैयार हो रहा है। देन इसके बीच में यहाँ बनेंगे स्टेप, मैं खुद एक स्टेप पे खड़ा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक स्टेप है, ये बल्कि 2 स्टेप बन चुके हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। इसी प्रकार यहाँ से स्टेप जाएंगे ऊपर, देन फिर ये वाला घाट बनेगा, इसके बाद फिर ऊपर स्टेप बनेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम सामने आएंगे, सामने अगर आप सबकी सेवा हमारे पास में आती है पूरी तरीके से तो हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा यहाँ के बाद में हम सामने की तरफ जो सीढ़ियाँ होंगी उसको कवर करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सबकी सेवा हमारे पास में इसी प्रकार आती रहेंगी जिस प्रकार आप हमें सेवा कर रहे हैं। और एक चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सडनली हमारे पास सेवाएँ नहीं आ रही है मोतीकुंड के लिए, जो सेवा आई थी लास्ट उसी के थ्रू हम यहाँ पे काम करा रहे हैं, उसी को लेकर हम यहाँ पे काम करा रहे हैं। न्यू कोई भी हमारे पास में सेवा नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं है सेवाओं का। और अगर सेवा नहीं आएगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा काम फिर से पुनः वही सिचुएशन बन जाएगी कि काम हमें रोकना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर करें ताकि हमें काम ना रोकना पड़े मोतीकुंड का, और काम इसी प्रकार चलता रहे और आप सभी को मैं ऐसी अपडेट देता रहूं। अभी ये कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। आप सभी को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं जो मैंने आपको बताया था डे टाइम पे, जो आपने देखा था, जिसकी मैं बात कर रहा था रैंप की, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हमें रैंप, जो हमें कवर करना ज़रूरी था, आपको बताना चाहूँगा कम्प्लीटली बन चुका है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग हो चुकी है पूरे, इसको जिसको घाट कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 8x70 का ये घाट था, इसमें कम्प्लीटली पूरी कॉन्क्रीटिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा आपको अंधेरा देखने को मिलेगा, रीज़न क्या है कि जो लाइट का थ्रो है ना वो इन बैग्स की वजह से और मशीन है वहाँ पे उसकी वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको क्लियरली दिखता कि ये जो घाट है यानी कि 8x70 का जो घाट है इसमें कम्प्लीटली कॉन्क्रीटिंग हो चुकी है, जिसको कहते हैं ना कम्प्लीटली कॉन्क्रीटिंग। तो ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अगर आप सबने इसी प्रकार सेवा आप करते रहें तो, हम कम्प्लीटली ये बना लेंगे स्टेप्स। और आपके लिए जब आप मोतीकुंड में दर्शन के लिए आएंगे तो आप यहाँ पे उतर के आचमन ले सकते हैं। और ये है रात्रि का नज़ारा, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर रात्रि में। और कुंड के अंदर भर चुका है प्रॉपर पानी, आपको थोड़ा सा विज़न क्लियर नहीं होगा, रीज़न क्योंकि अंधेरा है तो जो कैमरा है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है,
बारिश का पानी और नीचे से जो स्रोत हैं वो खुल चुके हैं। अब थोड़ा सा अंदर हमें कुंडी के लिए वर्क करना पॉसिबल नहीं है, उसको अब हम नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे, और अगर कोई बीच में हमारे पास कुछ ऐसा चांस होता है कि हम उसको कर पाएँ तो हम ज़रूर कुंडी का भी वर्क करेंगे। लेकिन अब हमारा टोटली वर्क हो गया है यहाँ पे स्टेप्स के लिए, अब हम स्टेप्स पे मूव कर रहे हैं। राधे राधे माता जी। श्री राधे श्याम। आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, कार्य कैसा लग रहा है यहाँ पे जो हो रहा है? यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब ठाकुर जी की कृपा है, सेवा जो दे रहे हैं उन्हें बिहारी जी को मेरा प्रार्थना है कि उनको उन पे बिहारी जी की कृपा बने रहें और इसी तरह से सेवा देते रहें। बिल्कुल, ये तो प्रभु का दया है, कृपा है कि कुंड का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही निर्माण होवे, मंदिर का निर्माण, कुंड का निर्माण हिंदू धर्म में यही प्रतीक है, सबसे अच्छा काम है और अच्छा निर्माण हो रहा है, जो कि निर्माण जब हो जाएगा तो लोग आएंगे बाहर से तो देखेंगे ब्रज में ये सबसे महान है, मोती कुंड है और कुंड में व्यवस्था नहीं है तो बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, हिंदू धर्म में मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुझे बिहारी जी हिंदू तत्व दिए हैं, हिंदू में जन्म दिए हैं, तो हम मंदिर का निर्माण करें, कुंड का निर्माण करें, कुआं का निर्माण करें। बहुत सुंदर सीढ़ी बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुंड बहुत सुंदर बन रहा है। बिल्कुल, काम बहुत पक्का हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पक्का काम करवा रहे हैं, लेबर लोग भी बहुत अच्छा काम करता है, दिन भर लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। बिल्कुल, और बहुत सुंदर चबूतरा भी बनेगा और अच्छा लगेगा बिहारी जी का। जब बनने के बाद में जब यहाँ पे लाइटें वगैरह लगेगी तो बहुत सुंदर अच्छा लगेगा, अच्छा दूर लगेगा। से ही चमकेगा। हाँ। पूरा मोती की तरह। बिल्कुल, जैसे मोती चमकता है, जैसे मोती चमकता है। बिल्कुल, मोती कुंड है, मोती कुंड के नाम से लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं मोती बिहारी जी को, और मोती बिहारी कुंड नाम से भी ख्यात हैं यहाँ, और कुंड का ही व्यवस्था नहीं तो बहुत ख़राब लगता है, इसलिए अब होने जा रहा है, यही ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा उन पे बनी रहे जिन्होंने ध्यान दिया इस मंदिर के प्रति, इस कुंड के प्रति, जिसने ध्यान दिया उनके प्रति मेरा यही प्रार्थना है कि बिहारी जी उनकी कृपा करें, राधा रानी की कृपा हमेशा रहे उनके ऊपर। बिल्कुल, राधे 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 श्याम राधे श्याम। तो जैसा कि आपने देखा कि कुंड पे किस तरीके से काम यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है, जो हमारे घाट था वो घाट भी अब कम्प्लीटली बन चुका है। नीचे में सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग हमें पहले करानी थी, उसका सबसे ज़्यादा डर था। रीज़न आप सभी को मैंने बताया था कि जो नीचे जो हमें पत्थर है, जो आप मेरे पीछे पत्थर देख रहे हो, उसको कहते हैं 65 mm। ये बिछाने के बाद वहाँ पे, यानी कि इसको बहुत तरीके से बहुत वहाँ पे दबाया गया है इसको, और दबाने के बाद में इसकी ना प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे हम लोग, बारिश आ रही थी तो ऊपर की जो मिट्टी है वो कुंड पे नीचे बह के आ रही थी, जो हमारा घाट था। और अगर जो हमने पत्थर लगने के बाद अगर ऐसा होता, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा मिट्टी आती, तो हमारे सारा जो है वो पत्थर लगाया हुआ वो ख़राब हो जाता। तो हमें जो हमारे सर हैं उन्होंने बोला था कि मोहित सबसे पहले कॉन्क्रीटिंग ज़रूर कराना आप उसकी, आज कैसे भी करके, चाहे आपको रात को रुकना पड़े। तो आज मैं आपको बताऊँगा, इस टाइम पर 9 बजने वाले हैं, इस टाइम पर रात के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो समरसीबल है वो हो चुका है ख़राब, तो वो बिल्कुल उसको रिपेयर कराने के लिए, इनफैक्ट हम जहाँ से परचेज़ किया था, हमने कोसी से हमने परचेज़ किया था, वहाँ पे जाके समरसीबल दे के आए हैं, रिपेयर कर के लिए हमने दे दिया है उसको। और फिर मुझे 2-3 दिन में मैं आऊँगा यहाँ पे मंदिर में, मैंने बोल दिया महाराज जी को कोसी से वो समरसीबल पिक कर लेंगे, और यहाँ पे जो सारी व्यवस्था है वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कराने की। आप सभी से बस मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मोतीकुंड के लिए। हमारे पास सहयोग अब पुनः आना बंद हो गया है, तो जो सहयोग हमारे पास में है उसमें स्टेप्स में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठाकुर जी की कृपा से स्टेप्स बन जाएँ, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हमारे पास मटीरियल नहीं है, हमारे पास में ऑप्शंस नहीं है कि हम आगे क्या काम करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया है कि अभी पीछे से कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि कामा के साइड से हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं आ रहा है, ना ही रोड़ी आ रही है, ना ही हमारे पास में बदरपुर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पर, लेकिन आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मोतीकुंड के काम के लिए, क्योंकि ये स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टेप्स बन जाएंगे आप सभी के लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत, आप कभी भी मंदिर में आएंगे ना दर्शन के लिए, तो आप आराम से नीचे उतर के कुंड के अंदर जाके आचमन ले सकते हैं। इतना काम, जिसे कहते हैं ना, इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आप सबके लिए आचमन लेना मोतीकुंड का।
आप हमें मोतीगंज के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा। हमारी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर आप कोई भी सेवा देना चाहें, किसी भी रूप में सेवा देना चाहें, जैसे कि आप आज आपने वीडियो में देखा कि एक सब्सक्राइबर थे हमारे जो फिज़िकली यहाँ पे आए आज, और उन्होंने वेट भी किया क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, मैं था बरसाना में, और उन्होंने कम से कम आधे घंटा मेरा वेट किया। देन फिर मैं यहाँ पे आया, उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे बताया कि वो फिज़िकली अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप लोग भी अपनी सेवा देना चाहें तो यहाँ पर ज़रूर आइए। फिज़िकली भी आना चाहें तो आप आइए यहाँ पर अपनी सेवा दीजिए। किसी भी रूप में आप अपनी सेवा देना चाहें, एज अ आर्किटेक्ट या फिर एज अ टेक्निकल आप अपनी बेसिस पर सेवा देना चाहें तो आप ज़रूर आइए, हमें सेवा ज़रूर दीजिए यहाँ पे। तो आज का मोतीगुंड का अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मोतीगुंड की इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप सबके शेयर से ही सभी भक्तों तक ये मैसेज जा रहा है कि वो लोग मोतीगुंड के बारे में जान पा रहे हैं कि मोतीगुंड का कार्य चल रहा है और मोतीगुंड का क्या महत्व है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। तो आपको कैसा लगा मोतीगुंड का अपडेट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को, आप हमारे ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए आप ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राधे राधे।